एंड वेलकम टू आशीर्वाद स्टेट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भगवती गार्डन में 3 BHK फ्लैट, जो कि द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 300 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। ये फ्लैट 85 गज में बना हुआ है और 3 BHK फ्लैट है और कार पार्किंग के साथ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फ्लैट्स के अंदर और देखते हैं फ्लैट किस तरह से बना हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे हम पार्किंग के अंदर एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस पार्किंग है। ये बताता चलूँ, ये इंडिविजुअल फ्लैट है, सो एक फ्लोर पे आपको एक ही फ्लैट देखने को मिलता है। सो 3 BHK फ्लैट जो कि 85 गज में बना हुआ है, जो कि काफ़ी स्पेशियस भी है। हालांकि आप देख सकते हैं सामने आपको सीढ़ियों का सेक्शन मिल जाता है और सीढ़ियों के ठीक नीचे ही आपको मोटर कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। आप ये देख सकते हैं ये सीढ़ियों का सेक्शन। चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं हमारे फ्लैट को। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं हमारे 3 BHK 85 गज के फ्लैट में और ये हमारा मेन एंट्रेंस है फ्लैट के अंदर का। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम अंदर जाते हैं हमारे पास दो एरियाज मिल जाते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में है जो कि हमारा मेन बालकनी से कनेक्टेड होता है, ये हमारा लिविंग एरिया है, और सामने हमारा एकदम मास्टर बेडरूम मिलता है। और अगर हम राइट हैंड साइड आते हैं तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा किचन है और एक और बेडरूम है जो कि बैक साइड में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, आइए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मेन एंट्री गेट था। जैसे हमने एंटर किया, ये हमारा लिविंग एरिया है। हालांकि आप देख सकते हैं लिविंग एरिया काफ़ी स्पेशियस है और ये हमारा LED TV पैनल है जो अभी वॉल पे लगना बाकी है। बट अगर स्पेस की बात करें तो 85 गज का स्पेस होने की वजह से काफ़ी वाइड आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और जैसा कि मैं बात कर रहा था, लिविंग एरिया का साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। यहाँ पर आप चाहें तो यू टाइप का आप सोफ़ा सेट लगा सकते हैं, जो कि आराम से 11 से 12 सीटर सोफ़ा सेट आपका यहाँ पर लग जाएगा। सेंटर में आप देख सकते हो सेंटर टेबल लगाने के लिए एक अलग से स्पेस दिया गया है, जो काफ़ी अलग और अच्छा लग रहा है। ये सीधा जो फ्लोर है उसी में इंग्रेव किया गया है, जो काफ़ी प्रीमियम लग भी रहा है। अगर आप सामने देखेंगे तो ये टेक्सचर पेंट किया गया है, जो अच्छा लग रहा है देखने में। और ऊपर आप देख सकते हैं डिज़ाइनर लाइट्स लगाई गई हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये आपको शाफ्ट से कनेक्टिविटी मिलती है विंडो की, जिससे यहाँ का वेंटिलेशन होता रहेगा। और अगर फ्रंट व्यू देखते हैं तो लिविंग एरिया का फ्रंट व्यू कुछ इस तरह का आता है, जो काफ़ी प्रीमियम देखने में लग रहा है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इंटरकॉम कनेक्टिविटी मिलती है, तो यहाँ से आपको सीधा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा यहीं से आप अपने गेट को ओपन क्लोज कर सकते हैं। सो ये हमारा लिविंग एरिया है, जैसा कि हम देख ही चुके हैं। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ्लैट का कॉमन वॉशरूम। सो लिविंग एरिया के साथ ही आप देख सकते हैं ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, जिसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सो कॉमन वॉशरूम का गेट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का लुक आपको वॉशरूम का मिलता है। एंड टू एंड टाइलिंग यहाँ पर आपको दी गई है। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन भी दिया गया है। यहाँ पर आपको शावर सिस्टम मिलेगा, नीचे टैप्स की कनेक्टिविटी, सामने टॉयलेट सीट आप देख ही सकते हैं, और इस तरफ आप देखेंगे तो हैंड वॉश के लिए सिंक मिल जाता है। सो अच्छे खासे साइज के साथ आपको ये वॉशरूम भी प्रोवाइड होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो ये था हमारा कॉमन वॉशरूम। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार किचन भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जो गेट था ये हमारा एंट्री गेट था, और अगर हम गेट से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो ये हमारा सेपरेट किचन है, जो काफ़ी स्पेशियस भी है। आप देख सकते हैं इस तरह की यहाँ पर डिज़ाइनर लाइट्स लगाई गई हैं और ग्रीन कलर के कुछ इस तरह के स्पेसेस यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि अच्छा भी लग रहा है देखने में। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको चिमनी भी लगी हुई मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी आपको मिलती है, तो अलग से चिमनी लगाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आप गैस चूल्हा लगा सकते हैं और चाहे तो OTG या माइक्रोवेव भी रख सकते हैं। वेंटिलेशन क्योंकि चिमनी से तो होता ही रहेगा, बट फिर भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको किचन सिंक देखने को मिलती है, यहाँ पर भी आपको गीजर या RO के पॉइंट्स मिल जाते हैं, और कुछ इस तरह का हमारा ये ओवरऑल किचन का लुक आता है। देख सकते हैं डिज़ाइनर लाइट्स काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ हमारा फर्स्ट बेडरूम। सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। जैसे हम एंटर करते हैं आप देख सकते हैं स्पेस
सबसे पहले स्पेस के बारे में बात ही करूंगा। स्पेस काफी वाइड यहाँ पर दिया गया है, डबल बेड भी आप लगा देंगे उसके बाद भी तीनों साइड आपको वॉकिंग एरिया मिल जाता है। सामने आप देख सकते हैं टेक्सचर पेंट कुछ इस तरह का दिया हुआ है वॉल पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिजाइन है लाइट्स, और इस तरह का आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलता है। क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्लैट है तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ बैक साइड में आपको विंडो प्रोवाइड होती है जैसा कि आप देख ही सकते हैं, और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको LED पैनल लगाने का स्पेस मिल जाता है। सो कुछ इस तरह का ये हमारा फर्स्ट बेडरूम। आइए अब मैं ले चलता हूँ आपको हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने अपना लिविंग एरिया देखा था, लिविंग एरिया के बाद हमारा कॉमन वॉशरूम था, कॉमन वॉशरूम के बाद हमारा ये जो है ये सेकेंड बेडरूम है, और सामने वाला जो डोर है हमारे मास्टर बेडरूम का है। तो पहले आपको सेकेंड बेडरूम दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमारा सेकेंड बेडरूम। जैसे एंटर करते हैं आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा टेक्सचर पेंट आपको यहाँ पर लगा के दिया गया है, सेम डिजाइनर लाइट्स यहाँ पर दी गई है, और ऊपर अगर आप बात करें तो फॉल सीलिंग का डिजाइन कुछ इस तरह का दिया गया है। अगर आप स्पेस की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस, क्योंकि 85 गज का फ्लैट है तो डबल बेड लगाने के बाद भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको शाफ्ट से कनेक्टिविटी मिलती है वेंटिलेशन के लिए, और इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको LED TV लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है। फॉल सीलिंग एक बार और दिखाऊं तो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है जो काफ़ी अच्छा लगता है, और सामने आप देख सकते हो कर्टन्स भी लगाकर आपको दिए गए हैं। सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा मास्टर बेडरूम, जिसके साथ आपको बालकनी भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ, और जैसे हम मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारे बेडरूम है जो काफ़ी अच्छे साइज के साथ आपको मिल जाता है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्सचर पेंट देखने को मिलता है, और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिलता है जो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। यहाँ पर आपको LED लाइट्स एंड कॉब लाइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो आप साथ में देख सकते हैं हमारा अटैच वॉशरूम, और इस तरफ आपको बालकनी और विंडो के सेक्शंस मिल जाते हैं। अगर आप स्पेस की बात करें, जैसा मैंने बताया था डबल बेड लगाने के बाद भी यहाँ पर इतना स्पेस है कि आपका ये एरिया पूरा बच जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि मास्टर बेडरूम है तो ऑब्वियस ही बात है साइज बड़ा होना ही चाहिए रूम का, और आप यहाँ पर गौर भी कर सकते हैं, हालांकि मैंने अभी गेट बंद किया हुआ है उसके बाद भी यहाँ पर सनलाइट आ रही है। ये द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पे ये फ्लैट है, और मेन रोड के बहुत ही ज़्यादा पास है, तो सनलाइट और अगर आप बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पर बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। सो ये ओवरऑल देखें तो कुछ इतना बड़ा ये आपको बेडरूम मिलता है। फॉल सीलिंग एक बार और दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारा अटैच वॉशरूम। अगर वॉशरूम की बात करें तो कुछ इस तरह का अटैच वॉशरूम मिलता है, साइज ठीक ठाक दिया गया है अटैच वॉशरूम के हिसाब से, और देखें तो यहाँ पर भी आपको एंड टू एंड टाइलिंग दी गई है। टॉयलेट सीट यहाँ पर लगाई गई है, इस तरफ हैंड वॉश के लिए सिंक दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप्स की कनेक्टिविटी और शावर का सिस्टम दिया गया है। गीजर के पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी दिया गया है जहाँ से आप अपना गीजर कनेक्ट कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह का ये हमारा अटैच वॉशरूम दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है फ्लैट के साथ। सो अब मैं दिखाता हूँ हमारे इस फ्लैट का बालकनी। आइए, सो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने अभी बालकनी का गेट ओपन किया, और कितनी अच्छी सनलाइट यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम है, लगभग 1-1.5 बजे के आसपास, उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा सनलाइट मिलता है आपको, और काफ़ी वाइड बालकनी है, और ये इस तरफ से भी व्यू मिलता है आपको, और ये आपको फ्रंट व्यू तो मिलता ही है। अगर आप रोड की बात करें तो काफ़ी वाइड रोड मिलता है आपको, रोड की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मेन रोड से कनेक्टेड है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्स भी पार्क्ड हैं, उसके बाद भी अच्छा खासा रोड पे स्पेस मिल जाता है। सामने आप देख सकते हैं टैप की कनेक्टिविटी है, और यहीं पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लगाकर यहाँ पर कपड़े धो सकते हैं। जो अटैच वॉशरूम था उसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन दिया गया है जो अभी ऑन कर रखा है हमने, और इस तरफ आप देखें तो यहाँ लाइट्स की कनेक्टिविटी, और ये स्टेनलेस स्टील की ग्रिल जिस पर आप अपने कपड़े धोकर सुखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 3 BHK फ्लैट जो कि 85 गज में बना हुआ है।
सो आई होप ये फ्लैट आपको बहुत पसंद आया होगा। ये फ्लैट सिर्फ द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 300 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। सो फ्रेंड्स, फ्लैट कैसा लगा, ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।